इस वक्त मैं जो टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है बिल्डिंग किश्तवाड़ में, यहाँ पर हमारे लोकल नौजवान जो टिकटॉक का शौक रखते हैं, जो इंस्टाग्राम का शौक रखते हैं, जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और उनको मदद कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे मुंबई से आए हुए जो 3-4 लोग हैं, दानिश सदीकी और उनके जो ब्रदर्स वगैरह हैं और जो उनकी टीम है, वो यहाँ पर आई है कुछ लोकेशंस को देखने और कुछ यहाँ के नौजवानों को मदद करने के लिए। इस वक्त काफ़ी तकरीबन 50-60 जो किश्तवाड़ के जो नौजवान हैं, खूबसूरत नौजवान है, मॉडल नौजवान है, वो यहाँ पर जमा हुए हैं ताकि इनसे जो है वो गाइडेंस ले सके। इनको यहाँ पर लाने वाले हैं बिलाल, हमारे साथ हैं, और जो बाकी हमारे यहाँ पर टीम है, मैं आपको बता दूँ, बिलाल और हमारे उमर साहब जो है, और यहाँ से हमारे दूसरे साहब हैं, इन्होंने जो है वो जो वेब सीरीज़ यहाँ पर हुई बारूद, उसमें इन्होंने जो है वो छोटे मोटे रोल भी किए हैं और इनकी एक्टिंग स्किल्स को जो है वो काफ़ी सराहा गया। बिलाल, क्या बताएंगे आप, जो इन लोगों का लेकर आए हैं, इसका क्या मकसद है और किस तरह से आपने इनको यहाँ बुलाया और कैसे कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश? मैं चाहता हूँ अपना किश्तवाड़ जो है, सबसे पहले हमारे जो किश्तवाड़ के नौजवान यूथ जो है, वो चाहते हैं कि मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनका मकसद ये है कि वो आगे बढ़े, मतलब वीडियो शोज करें, मूवीज़ में काम करें। इसलिए मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, कुरैशी ब्रदर्स जो है, मेरे फ्रेंड्स सारे, मैंने उनको यहाँ पे बुलाया ताकि आप यहाँ पे आ जाओ, देख लो, ताकि नेक्स्ट टाइम ये यहाँ पे शूट कर रहे हैं फिर से, मतलब इनका प्रोजेक्ट है कुछ, उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप, किधर किधर लेके जा रहे हैं? आज हम बेसिकली किश्तवाड़ में, सबसे पहले उनको किश्तवाड़ दिखा रहा हूँ, किश्तवाड़ प्ले ग्राउंड, उसके बाद हम छात्र मुगल मैदान, चिंतन धाम, आलू फार्म जा रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम शायद कश्मीर या भद्रवाह जा रहे हैं। तो मतलब आप पहले फोकस जो है वो किश्तवाड़ का है। तो यहाँ पर जो उमर, आपने काम भी किया एज ए विलन है, तो मतलब माशाल्लाह, चलो अच्छी बात है, जैसे ही वो वेब सीरीज रिलीज हो जाएगी तो लोगों को पता चल जाएगा। तो कितना टैलेंट है किश्तवाड़ के लोगों में और कितने कामयाब होंगे जो आप बिलाल और आपने मिलकर किया है? देखो, मैं कहना चाहता हूँ किश्तवाड़ के लड़कों में काफ़ी टैलेंट्स है, मतलब वो लोग जितनी भी मतलब रील्स बनाते हैं, टिकटॉक बनाते थे, मतलब उनको कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों को अभी रिसेंट एक बारूद वेब सीरीज शो हुआ है पार्टर में, आमिर भाई, बिलाल भाई, हम लोग वहाँ पे गए, माशाल्लाह हमें वहाँ पे शूट मिला, एक प्लेटफॉर्म हमें मिला। मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे किश्तवाड़ के लड़के नौजवान जिनको शो के, उनको सबको प्लेटफॉर्म मिले और किश्तवाड़ की जितनी भी आवाम है वो सपोर्ट करें उनको। अभी जाहिद भाई आए हैं, कुरैशी भाई आए हैं, ये भी हमारे लिए आए कि हमने इनको बुलाया, क्योंकि हमें कोई देखे, सपोर्ट करे, हम भी कुछ आगे बढ़ सकें। आमिर, आप क्या बताएंगे, मतलब आपने भी एक रोल किया है, चाहे विलन का रोल हो, कोई भी हो, इसमें कोई भी नहीं है, एक जो एक्टिंग स्किल्स है वो जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एक एक्टर ही जो है वो, हमारा अमजद खान है, अजीत है, हमारे अमरीश पुरी जी है, काफ़ी मशहूर रहे हैं वो करके, कादिर खान साहब जो है वो रहे हैं, प्रेमनाथ जी है वो विलन भी और एक एक्टर भी रहे काफ़ी। तो क्या बताएंगे आप, किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ अभी तक आपने गेम किया? सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ बिलाल भाई का। मैं जैसे घर पहुँचा तो इनने मेरे को कॉल की, तो मैं एकदम से, मैंने खाना भी छोड़ दिया और बिलाल भाई ने मेरे को लेने आए, तो हमने कुछ नहीं देखा। आप कैमरे की तरफ देखे जरा थोड़ा सा, हाँ, तो वहाँ पर बताइए। बिल्कुल, हम कैमरे को भी देखेंगे, आप सामने देखो। बिल्कुल, तो आप बोल रहे थे कि विलन का रोल हो या कुछ रोल हो, तो वेब सीरीज में सबसे बड़ा रोल विलन का ही होता है, और जो मेरे को मिला, और सबसे बड़ी बात है कि मैं किश्तवाड़ का हूँ, खुशी है कि किश्तवाड़ का हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मतलब जितने भी लड़के हमारे कांटेक्ट में, हमारे साथ मिलो जुड़ो, एक साथ काम करेंगे और आगे करते रहेंगे। ये मतलब ये नहीं है कि आप ही सिर्फ यहाँ से बढ़ना चाहते हो, सब चले, मतलब किसी, मतलब जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं उनको ये लालच होती है कि मेरे अलावा नंबर वन कोई जाए नहीं, मतलब आप चाहते हो कि सबको ले, सबको। और मेरे को बहुत बड़ा रोल मिला है, मैं उनको देखने गया था बट वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रोल मिला, स्टार्टिंग से एंड तक मैंने उनके साथ रोल किया है, वो आपको रिलीज होने के बाद पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। तो आप भी यहाँ पर ये लोकल लड़के आए हैं इनके लिए मिलने के लिए, किस उम्मीद से आप आए, आप अपना नाम पहले बताइए। मेरा नाम देखिए रितेश परिहार है, मैं बेसिकली पलमार से हूँ, करंटली लिविंग इन किश्तवाड़ सरकोट में। तो मैं चाहता हूँ, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊँगा, मेरे लिए तो प्यार दोस्ती है। अब दानिश भी आए, जाहिद भाई आए, सब आए, सबसे पहले तो बिलाल को थैंक यू, हम सब के लड़कों की ओर से सबसे थैंक यू बिलाल को, थैंक यू क्यों यहाँ पर वो आए, हम मिले उनसे, और मैंने उनको ये देखा 7 लाख फॉलोअर्स कोई आम छोटी बात नहीं है, और घमंड इतना सा नहीं, इससे सीखने को ये मिला मेरे को, तो अपने मतलब टू बी हॉनेस्ट ये बोलूँगा मैं कि मेरे को सीखने को ये मिला कि
ऐसा कुछ नहीं है, प्यार दोस्ती है। तो आप चाहते क्या हो, आपको क्या लगता है इससे कुछ फायदा मिलेगा कि और करने की? जरूर मिलेगा। देखो हम एक्चुअली क्या होता है, दूसरों को देख के इंस्पायर बंदा हो जाता है। तो क्या होता है कि अभी देखो हम सारे रील्स बनाते हैं, बिल्कुल 2,000-4,000 व्यूज इतने आते हैं, मतलब इतना ही मेंटेन है, कोई वायरल वीडियो नहीं है। बट मुझे उस चीज़ का ये नहीं होता कि मैं खुद का अपना बोलूंगा कि मेरे को मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही है, मैं खुद के शो के लिए बनाता हूँ। ऐसा क्या हो, अब जैसे ये आए यहाँ पर मेरे साथ लड़के हैं, यहाँ पर ये भाई है, बिलाल भाई है, आमिर भाई है, इनको देख के लगा, इनको देख के ये करते क्या है, ये वीडियो शूट कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, मतलब पूरा मतलब आप इसमें एक प्रोफेशनलिज्म है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ से भी एक व्यू दिखाएंगे, देखे कितने लड़के यहाँ पर आए हैं, पीछे हैं, यहाँ से ये देख लीजिए सभी लोग जो है वो इनके साथ जुड़े हुए हैं, आप ये सब लोग ये हैं। तो मैं बिलाल मतलब आप आगे क्या करने जा रहे हैं, कितनी उम्मीद लग रही है आपको जो ये यहाँ के लड़के हैं और आप खुद जो है वो बढ़ पाएंगे? मैं चाहता हूँ यहाँ की यूथ आगे बढ़े, तो सबसे पहले हमें सपोर्ट मिले। सपोर्ट तो कहीं तरफ से नहीं मिल रहा है, अभी हमें शूट यहाँ पे करना है, कहीं कोई मतलब सपोर्ट नहीं मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बट अब हम चाहते हैं, हम कल उनसे बात करने जाएँ, हमें सपोर्ट मिले, हम आगे और काम करते जाएँ, क्योंकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है हमारा यहाँ पे हसनैन और सना खान आ रही है और काफ़ी सारे एक्टर्स आ रहे हैं कश्मीर से। मैं चाहता हूँ हर एक को किश्तवाड़ लाऊँ, अपनी ब्यूटी दिखाऊँ, ना कि कोई हर एक कश्मीर जाए, अपना किश्तवाड़ भी, किश्तवाड़ भी आए, किश्तवाड़ में भी ब्यूटी प्लेस है हर जगह, यहाँ पर और भी आ जाए, यहाँ पर भी देख ले, यहाँ पर भी शूट करे, यहाँ पर भी मूवी सीज़ हो, ये सब चलता है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से ये नौजवान जो है वो यहाँ पर जमा हुए हैं, हालांकि इनको जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो यहाँ पर हाल जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन ये जो यहाँ के लान है इसी में एडजस्ट कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आगे चलकर जो है वो इसको एक सिस्टमेटिकली प्लान से जो है वो करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में जो है ये इशू लाएंगे जब भी इनको कोई इस तरह का प्रोग्राम करना हो, ताकि पहले से तैयारी की जाए और एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो हेल्प भी जो है इनके लिए मांगी जाए। तो मैं उम्मीद करूँगा बिलाल, उमर और रतीश जितने भी यहाँ पर लोग हैं, ये हमारे किश्तवाड़ को प्रमोट करने में कामयाब हो जाएं और किश्तवाड़ के लोग जो है वो फखर जो है वो इनके पर हो, क्योंकि किश्तवाड़ जो है वो ऑलरेडी म्यूजिकल हिस्ट्री में जो है इसका नाम है। यहाँ से जांबा साहब किश्तवाड़ी जो है उनकी पोइट्री, उनकी उनके जो गीत जो उनका जो चलन थे, आज भी जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो सुने जाते हैं, गाए जाते हैं, हर शादी हर महफिल में जो है वो उनके गाने गाए जाते हैं। यहाँ पर हमारे बडिंग स्टार्स है, राशिद जहांगीर जो है यहाँ पर, नसीमुल हक जो है वो है, काफ़ी लोग जो है यहाँ से गा रहे हैं। आबिद एक नया लड़का भदरवा से निकला है, फारूक खोकर जो है वो एक प्रोफेशनल सिंगर है, यहाँ पर सुहेब कंडू जो है वो भी आज गाने के प्रोफेशन में है, तबला मास्टर में जो है मुतायब है वो जो है वो बजाता है, और काफ़ी एक और लड़का है जो उसका नाम मुझे याद नहीं, अदनान, बिल्कुल अदनान गाता है, एक लड़का तबला बजाता है जो NHBC स्कूल में पढ़ता, शायद राहुल उसका नाम है, राहुल है। काफ़ी लड़के जो है यहाँ पर, काफ़ी टैलेंट है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और एक स्टार्ट की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करूँगा कि बारूद जो वेब सीरीज़ की शूटिंग के बाद जो राशिद ने और यहाँ पर मोहसिन ने रोल अदा किया उन एक्टर्स और उस टीम को यहाँ लाने में, ये सिलसिला जो है वो जारी रहे और हमारे किश्तवाड़ के लड़के जो है वो आगे चलकर जो है बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाएं। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाए, आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक जो है मेरे लेटेस्ट जो है वो वीडियोस पहुंच सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं थैंक यू कहना चाहता हूं अपने आसिफ भाई के साथ कि ये हमारे किश्तवाड़ को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं भाई आसिफ भाई भी, थैंक यू। इसलिए मैं चाहता हूं इनको भी थोड़ा सा कुछ हेल्प हो जाए, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर सपोर्ट करेंगे, बेल आइकन दबाओ।